पारंपरिक संगीत की एक अनूठी मिसाल है कव्वाली। भारत और पाकिस्तान में समान रूप से प्रचलित इस कव्वाली को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसकी पहुंच आज भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर उन सभी देशों में देखी जा सकती है जहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग रहते हैं। कव्वाली का सूफियाना मिजाज शांति और रहस्य में दिलचस्पी रखने वाले अनेक विदेशी नागरिकों को भी आकर्षित करता रहा है। सूफी परंपरा इस्लाम की उस धारा से जुड़ी हुई है जो सत्य और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के मार्ग व्यक्तिगत स्तर पर प्रस्तावित करती है। सब लोग मुझको जान जाते हैं। संसार में रहते हुए ही ईश्वर का अनुभव करने की राह दिखाता ये सूफी मार्ग अनेक पद्धतियां सुझाता है और कव्वाली उनमें से एक है। उत्तर भारत के अनेक छोटे बड़े शहर इस रवायती कव्वाली को अपनी आगोश में समेटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा और किसी कदर पिछड़ा नगर बदायूं। गंगा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा शहर शहरों की चमक दमक से दूर अपनी छोटी सी दुनिया में रमा हुआ। अगर सिर्फ ऊपर से देखें तो हमें बदायूं से कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इसी बदायूं का एक हिस्सा है सहसवान, जो हमें शास्त्रीय संगीत के रामपुर सहसवान घराने की याद दिलाता है। और उधर मशहूर गीतकार और शायर शकील बदायूनी याद आते हैं, जो इसी बदायूं में पैदा हुए थे। और फिर जाफर हुसैन खां बदायूनी ने इसी बदायूं की जमीन पर ही तो अपनी कव्वाली को मखसूस रंग दिया। कव्वाली की तलाश करती हुई हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इस वक्त हम आ पहुँचे हैं बदायूं शरीफ, जो कि सूफी संतों की ज़मीन मानी जाती है, जहां नथन खां से लेकर जाफर खां बदायूनी जैसे मशहूर कव्वालों ने सूफी संतों की दरगाह को रोशन किया। मिलेंगे बदायूं के ही कुछ जाने माने कव्वाल समूहों के साथ। स्वागत है राज्यसभा टीवी। दानिश हुसैन खां बदायूं के उन नामचीन कव्वालों में हैं जो देश से लेकर विदेश तक में भारत की नुमाइंदगी करते हैं। साहब जी सुल्तान जी तुम बड़े गरीब नवाबजी सुल्तान
बाह गए की लाज रे, कृपा करो आजा मोइन, ओ मेरा खाजा मो, ओ हमारी नदीन खाजा, आजा मोइन नदीन राज, तुम राजा मोइन नदीन खाजा, ये तुम राजा मोइन नदीन खाजा, महाराजा मोइन नदीन खाजा, राजा मोइन नदीन खाजा, मैं कृपा करो आजा मोइन दिन कृपा, या गरीब बुलावा हर कस वसीला दार तुमा बेवसीला ए, हर कस वसीला दार तुमा बेवसीला ए, जुद आस ताने तो ख्वाजा बुलवा मोइनो दिन ख्वाजा। सबसे पहले तो ये कि इस पार्टी का नाम जो है वो दानिश हुसैन सुल्तानी बदायूनी के नाम से है। हमारे पुरखों से उस्ताद जाफर हुसैन खां साहब, उनके आगे भी सुल्तानी लगता था, मेरे बड़े भाई मरहूम उस्ताद वजाहत हुसैन सुल्तानी, और उसके साथ साथ हम लोग हजरत, यहाँ पर बहुत बड़ी दरगाह शरीफ है, हज़रत सुल्तानुल आरफीन साहब, छोटे बड़े सरकार जिनको कहा जाता है, आपके छोटे भाई जो हैं जनाब शाह विलायत बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, छोटे सरकार हैं, हज़रत सुल्तानुल आरफीन बड़े सरकार, हम लोग उनसे नस्बत रखते हैं, इसलिए हमारे आगे सुल्तानी लगा है। और जहाँ तक उनके सदक़े में उनके करम से हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में, अल्लाह का बड़ा एहसान है परवरदिगार का और बुजुर्गान दीन का सदक़ा है कि ना मालूम कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं हिंदुस्तान में, जैसे कि डबल एंड कॉन्फ्रेंस और कला मंदिर, गाजा बाजा फेस्टिवल, ताज महोत्सव, कुतुब फेस्टिवल, दिल्ली में काफ़ी फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के प्रोग्राम किए हैं उस्ताद के साथ भी, उस्ताद के बाद भी मैं भी कर रहा हूँ, और विदेशों में साउथ अफ्रीका, लंदन, पेरिस, जापान, कोरिया, मॉरिशस वगैरह जा चुके हैं। ये सब कुछ इन बुज़ुर्गों के करम से जो हमारे आगे सुल्तानी लगा हुआ है। नट कट न्याज तोरा राज तुम्हें बलराज तुम्हें बल आ बड़ा नट कट जी तोरा राज तुम्हें बल खिलौना सजाने है वो, वो ही करता है दो मन में ठाने है वो, करू लाख जतन नहीं माने है वो, बड़ा कट कट है कट है, होली खेलन को आया है चुमोरे संग, देखिए कव्वाली की रवायत इसलिए है, बदायूं से बावस्ता कव्वाली इसलिए है कि यहाँ पर हजरत महबूब इलाही शाह निज़ामुद्दीन औलिया साहब का पैदाइश यहीं की है, और कव्वाली जो है ज़्यादातर सरकार सुना करते थे, आपके मुरीद हज़रत अमीर खुसरो के सैकड़ों कलाम हैं, और कव्वाली को हाईलाइट किया गया, सूफीज़ ने ही उसको हाईलाइट किया, तो बदायूं का ताल्लुक सूफियों से हमेशा से रहा है, शायर, कव्वाल और क्लासिकल आर्टिस्ट यहाँ पर बड़े बड़े
अच्छे पैदा हुए, जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मरहूम मेरे दादाजी पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खान साहब क्लासिकल वोकल सिंगर थे, उसके बाद में जाफर साहब से पहले कव्वाल नथन कव्वाल थे जो टोटली फारसी गाया करते थे, फारसी में पेश किया करते थे, उसके बाद में जाफर साहब आए, जाफर साहब के बाद में जनाब वजाज साहब मेरे ताऊ जी जाहिद हुसैन छुट्टन भाई कह के, उसके बाद में और भी बहुत सी पार्टियाँ हमारे अजमेरी भाई यूसुफ भाई वजाहत भाई खुद मैं जहीर भाई हमारे सैकड़ों पार्टियाँ यहाँ पर रहीं मरहूम साकिब साहब। तो कव्वाली का एक नियम बना रहा है बदायूं में हमेशा से, मेरा अपना मानना यह है, मानना क्या है बल्कि आप तलाश कीजिए देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा आपको। लेने आए हैं शाह नसीर उठो, लेने आए हैं शाह नसीर उठो, चल के राज पिया से ये अर्ज करो, बड़ा नत कट है तो बड़ा आओ बड़ा नत कट है अभी तो रा। रंग बिरंगे रिक्शों के शहर बदायूं में हमारी मुलाकात उस्ताद इफ्तिखार खां से हुई। ख्वाजा बनाया रे हरिये रीत के मोर, ख्वाजा घर आए। एक मामूली से घर में रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजार रहे इफ्तिखार खान ने बिना वक्त गंवाए हमें अपनी जादुई आवाज में कुछ झलकियां सुनाई। डगर चलत अचरा छुवत, डगर चलत अचरा छुवत, अचरा छुवत बार बार, हेरी मैं दुना जयू, हेरी मैं दुना ना सावरा सलोना नंद को लाल छेरी करत बार बार, अमेर खुसुर का कहे मनत नहीं नंद कुमार, हेरी मैं तो नहीं जेऊ जमुना से भरन नीर, डगर चलत अचरा छुवत, डगर चलत अचरा छुवत, अचरा छुवत बार बार। ये मेरे नाना जी थे मुरसैला नाना इनायत हुसैन खान उस्ताद, बहुत बड़े, ये नहीं समझिए उन्होंने
ग्वालियर जाकर जब वो पहुँचे ग्वालियर तो करीब एक माह रहे वहाँ पर, चांस नहीं मिल गया महाराजा के सामने, तो हद से खां साहब थे वहाँ पर ग्वालियर में, उनसे मुलाकात हुई नाना की हमारी। और जब गाना सुना इनका तो बहुत खुश हुए, वरना उन्होंने जिस गवैया को सुना हिंदुस्तान के अंदर बोले कुछ नहीं। जब हमारे नाना इनायत खान साहब का गाना सुना तो रोजी दिलवाई, रोजी महाराज किया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी अब्दुल खान साहब ने। तो उनसे यानी शुरू हुआ सहसवान घराना, सहसवान रामपुर ग्वालियर घराना, इसीलिए यानी हम लोग कहते हैं कि हम वहाँ के पहले यहाँ से सहसवान से फिर रामपुर से और फिर ग्वालियर से ताल्लुक रहा। सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे एरे सखी मने अति सुख पायो रे अलबेला, सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे अलबेला, सजन 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 आयो अलबेला, सजन। अब हमारे परदादा हैदर खान साहब वो भी इनके शागिर्द थे, इनायत खान ने सिखाया उनको, सिखाने के बाद अपनी बहन की शादी कर दी हमारे परदादा से। मेरे दादा हैदर खान साहब गाते थे और बहुत ही यानी ऐसे गवैये शायद अब पैदा हो, बहुत ही कि मुझे जिसको सिखाया है ना हसन खान साहब ने उसने दुनिया में नाम कमाया। फिर उनकी औलाद हुई मेरे दादा फिदा हसन खान साहब, वो भी ऐसे उनकी तो आवाज़ के बारे में सुना जैसे मंदिर में घंटी टन टन होती ऐसी बोलती थी। सजन अलबेला, सजन। जाफर हुसैन खां बदायूनी के घर से बहुत नज़दीक है इफ्तिखार खां का घर, जहां वो अध्यापन की नौकरी से रिटायर होकर सादा जीवन गुजारते हैं। हमारी कव्वाली की तलाश से बहुत खुश इफ्तिखार खां ने बहुत शौक से कुछ यादें ताज़ा की। अलबेला सजन अलबेला, अलबेला सजन अलबेला, अलबेला सजन आयो, सजन आयो, सजन आयो, मैं कहता हूँ कि दिल से तो हर चीज़ गाना चाहिए, चाहे वो कव्वाली हो, पहले तो सब क्लासिकली है, जब तक हम दिल से कि हमारी रूह क्या कह रही है, हम किस चीज़ को रूह से गाएंगे, दिल से गाएंगे, दिमाग खोले गाएंगे, तो वो चीज़ हमें ज़रूर आएगी और वो लोगों के आँखों में आंसू भी और दिलों में चुभ जाएगी। आ 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
यूसुफ सुल्तान एक ऐसे युवा कव्वाल हैं जिनकी आवाज में पुराने और पारंपरिक कव्वालों का रंग झलकता है। थोड़ी खुरदुरी लेकिन आध्यात्मिक अपील से गूंजती हुई आवाज। यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों में खूब सुनी जाने वाली यूसुफ कव्वाल की पार्टी में हम कव्वाली का उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। अरे आन फसी है मजे धार में नैया, तुम बिन पाजा मोरा कौन की भैया। दुखियों के तुम हो माजा वीर बंधैया, दुखियों के तुम हो माजा वीर बंधैया। अरे तुम बिन पाजा मोरा कौन की भैया, दुखियों के तुम हो माजा वीर बंधैया। जी मैं यूसुफ सुल्तानी, ये पार्टी मेरी यूसुफ सुल्तानी के नाम से चलती है मेरे नाम से, और मेरे सरकारों का करम यह है कि बदायूं वालों के ऊपर सरजमी पे सरकारों का बहुत बड़ा हाथ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वतन है बदायूं शरीफ, मेरे सरकारों का बहुत बड़ा करम है और सब जगह माशाल्लाह जाता जाना होता है प्रोग्रामों में मेरा, बम्बई, बेंगलोर, पूना, गोवा, सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होता है मेरा। और अभी हाल फिलहाल में मेरा 2-3 महीने के बाद दुबई का भी जाने का है। उससे पहले मैं अपने उस्ताद के साथ काम करता था वजाद जाफ़र सुल्तानी मरहूम, तो पहले मैं उनके साथ था, लंदन, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी मुल्क उस्ताद के साथ मैंने प्रोग्राम किए। उस्ताद के बाद पार्टी में चला रहे हूँ। हम गाना गाते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है, हमारा दिल से बहुत खुशी होती है। हम गाना गाते हैं और लोगों को खुश करते हैं, सुनाते हैं प्रोग्राम,
सूफियों को खुश करते हैं और आम पब्लिक तमाम की पब्लिक को सब में प्रोग्राम होता है, सब लोगों को खुशी मिलती है हमारा गाना सुनते हैं। मेरा दिल मेरी जान, भारत के शहरों में कव्वाली की तलाश करते हुए ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट बदायूं से। बदायूं के इन जाने माने कव्वालों की कव्वालियाँ सुनने के बाद दिल नहीं भरता कि यहाँ से जाया जाए, लेकिन फ़िलहाल वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें। प्रोग्राम आपको कैसा लगा लिखिएगा हमें ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। प्रोग्राम के पिछले हिस्से आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, लिखिए रंगे महफिल राज्यसभा टीवी और पाइए कव्वाली से जुड़ी हमारी इस श्रृंखला के दूसरे प्रोग्राम। इरफान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।